मर्दों का क्या, किधर भी खुले में मुद देंगे। बैटमैन क्या कर रहा है इधर? कुछ नहीं सर। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप पे डालू के तेरी फोटो? नहीं नहीं सर। क्या नहीं नहीं करता है? ऐसे खुले में नहीं मुतने का है? क्या करता है तू? अरे सुपर हीरो है तू। अब तेरे को शर्म आती है क्या? क्या मुंडी हिलाता है? हाँ हाँ हाँ, शर्म आती तो ऐसे दीवार पे मुतता तू? नहीं सर, सॉरी सर। ये तुम्हारे हॉलीवुड में ऐसे रोड पे मुतते क्या? ऐसे कुछ ही होता है हॉलीवुड में। फिर इधर क्या, इंडिया को क्या समझा तू? इधर क्यों मुत रहे तू खुले में? बाबू बाबू जी क्या करूँ? बाबू बाबू जी 20 किलोमीटर से साइकिल चला रहा हूँ मैं, कहीं पे भी टॉयलेट नहीं है। मुझे बहुत जोर से जाना था तो फिर मैं यहाँ पे सुसु करने आ गया। अरे लेकिन हमारी विद्या बालन बोलती है खुले में नहीं करने का, उसकी वजह से लड़कियां शादी नहीं करती, टॉयलेट नहीं है तो। समझ में आता है? तेरी खोपड़ी में कुछ आता है? बाबूराम जी ये सब तो सही है, पर मैं क्या कहता हूँ कि स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट गांव बन रहा है, तो स्मार्ट टॉयलेट भी तो बनाओ। ऐसे अगर किसी को इमरजेंसी होते तो हम जाएंगे कहाँ पे? लेकिन गलती तो तूने की ना इधर मुद के। सबकी माफी मांगो। सॉरी एवरीवन, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ ना हो शहर में तो ऐसे खुले में स्वच्छ ना करें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ ना हो तो हर एक किलोमीटर पे स्वच्छता टॉयलेट बनाए, स्वच्छता हाँ स्वच्छता गृह बनाए, स्वच्छता गृह बनाए। सॉरी बाबू राव जी। सुना, ये बैटमैन क्या बोल रहा है? ये हर एक किलोमीटर पे सार्वजनिक टॉयलेट बनने चाहिए। राइट। कैसे मर्दों का क्या, किधर भी खुले में मुद देंगे। लेकिन औरतों का क्या, उनके लिए तो टॉयलेट चाहिए ना बाबा। आप समझ रहे हैं। तो ये स्मार्ट टॉयलेट बनेंगे तभी स्मार्ट सिटी बनेगी, तभी हम बोल सकते एक कदम स्वच्छता की ओर, और तभी हमारा ये भारत स्वच्छ भारत अभियान पूरा हो जाएगा। Yeah, absolutely. और ये सब कुछ होने के लिए हमारा ये वीडियो है ना, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय महाराष्ट्र, जय हॉलीवुड।